हम अदल और अदालत के कायल, शिया अदल को उसूल दीन में मानते हैं, अहले बैत के मानने वाले उसूल, बाकी सब यहाँ फुरू दीन में अदल है, हमारे यहाँ उसूल दीन में अदल है, उसूल दीन में हमारे अदल है, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के यहाँ फुरू दीन में है अदालत, हमारे यहाँ उसूल दीन में है अदालत, उसूल दीन में अदालत है। वो कहते हैं कि नहीं, अदालत फुरू दीन में है और उसके अंदर भी डेफिनेशन जो अल्लाह कर दे बस वही अदल है। हम कहते हैं नहीं, जो अदल है अल्लाह वही करता। वो कहते हैं जो अल्लाह करे, जिसे चाहे जन्नत में भेज दे, बस यही अदल है, किसी को बुरा ना कहो। हमारे बहुत से मुसलमान भाई ये कहते हैं भाई इंसाफ होना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, अदालत जरूरी, अदल और इंसाफ में फर्क है। इंसाफ है निस्फ से, अदालत क्या है? वज़ुश शय फी महल्ले, तवज्जो, किसी भी शय को उसी की जगह पे रखना अदालत है। तमाम उलमा ने डेफिनेशन यही दी है, शिया सुन्नी उलमा ने, वज़ुश शय फी महल्ले, किसी शय को उसी की जगह पे रखना जो डिजर्व करता हो, जो इस्तेहकाक रखता हो, उसको उसका मकाम देना, यह अदालत है। इंसाफ क्या है? दो अफराद में इख्तलाफ है, आपने दोनों को राजी कर लिया, ये इंसाफ है, नहीं पहुंचा सका फिर भी, तवज्जो। एक रोटी पे दो अफराद का इख्तलाफ हो गया, एक कहता है ये रोटी मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, मैं इंसाफ करूं तो मैं रोटी के दो टुकड़े करूं, दोनों को एक टुकड़ा दे दूं, ये है इंसाफ, दोनों को कुछ ना कुछ मिल गया, ये इंसाफ है। अदल क्या है? मालूम करूं इस रोटी का हकदार कौन है, मुस्तहिक कौन है, हकदार कौन, किसका हक है, मैं उसी को दूं, ये है अदालत। आज तक उनका हमारा ये इख्तलाफ चल रहा, वो कहते हैं इंसाफ हो गया, इख्तलाफ था, इसे खिलाफत मिले उसे मिले, तो अली को चौथे शुमारे पे मिल गई ना खिलाफत, तो इंसाफ हो गया। हम कहते हैं नहीं, ये इंसाफ तो है, आदल नहीं है। चौथे नंबर पे खिलाफत मिलना हमारे लिए काफी नहीं है, हम कहते हैं कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। अदालत ये है कि जिसका जो हक हो उसे दिया जाए। ये तकसीम से सबको राजी ना करो, नहीं पहुंचा पा रहा है, जुमला कहूंगा शेर है शायद पहुंच जाए, अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा मिजाज, यजीद से भी मनासिब, हुसैन को भी सलाम। अदालत की थोड़ी सी और तारीफ में, अदल क्या है अजाने गिरामी, तमाम चीजों पे उनकी तारीफ पे आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अदालत की तारीफ पे, डेफिनेशन पे इख्तलाफ नहीं होगा। और सुनिएगा, अकली पूरी बहस पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सुनिएगा, बहुत सी चीजों की आपकी डेफिनेशन हालात और वाकयात के बदलने पे तारीफ बदल जाएगी। आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, चंद मिसालें दूंगा, एक आदमी चार बच्चों के साथ ट्रेन में सवार हो जाता है, बच्चे बेइंतहा शरारती, किसी से ऐनक छीन लेते हैं, किसी से अखबार छीन लिया, कोई आदमी खाना खा रहा खाना उठा लिया, हर आदमी कहेगा इस किस्म के बच्चे हैं, कैसा बाप है, बच्चों को समझा नहीं रहा। एक दो घंटा बच्चे सबको तंग करते हैं, इतने में साहब उठते हैं, कहते हैं कैसे बाप है आप, बच्चों को रोकते नहीं। बाप की आंखों में आंसू आते हैं, वो पलट के कहता है मेरे इन बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया, अब मैं इन्हें कुछ ही देर में बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने रोक नहीं रहा, डांट नहीं रहा, कि जब मैं इन्हें बताऊंगा तो इन पे क्या गुजरेगी। अब वो तमाम के तमाम जो अफराद तनकीद कर रहे थे बाप पे और बच्चों पे, जैसे ही उन्हें कुछ नई मालूमात मिली उनका नजरिया बदल गया। अब सब के सब कहने लगे जिसकी ऐनक उतार रहे थे उसने ऐनक उतार खुद ही दे दी, जिसके खाने में हाथ डाल रहे थे उन्होंने कहा बेटा बच्चा आओ आके खाना खुद खा लो, अखबार किसी ने अपने हाथ से दे दिया बेशक फाड़ दो। हर आदमी का रवैया बदल गया, क्यों? मालूमात बदली थी, मालूमात बदली थी, हालात वाकयात बदले थे, आपकी फौरन तारीफ बदल गई। एक और सवाल कर लूं आपसे, बताइए चोरी बुरी है या अच्छी? बुरी है, चोरी बुरी शय है। एक आदमी आता कहता कि मैंने चोरी की है लेकिन मेरे बच्चे फाके से मर रहे थे, बस मैंने एक रोटी उठाई बच्चों को फाके से मरने से बचाने के लिए, ज्यादा चोरी नहीं की। अब आप बताइए अभी भी चोरी बुरी है? आप में से बहुत से कहेंगे हाँ अभी भी बुरी है, बहुत से कहेंगे नहीं बुरी नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। हालात वाकयात बदलने से आपकी फौरन डेफिनेशन तारीफ बदलती चली जाएगी। तवज्जो, बहुत से मैं आपको ऐसे सुना सकता हूँ चीजें जिस सब में आपके नजरियात बदल जाएंगे, लेकिन दो चीजों में कभी आपका फैसला नहीं बदलेगा। पहली चीज अदालत, दूसरी जुल्म। हर हालत में हर आदमी कहेगा अदल अच्छा है, जुल्म बुरा। जब सब हर हालत में माने कि अदल अच्छा जुल्म बुरा, तो इसीलिए हमारे यहां उसूल दीन में अदल है। मुमकिन ही नहीं है अल्लाह कभी किसी पे जुल्म करे, पता नहीं बात पहुंची है नहीं। वमा रब्बो कभी जल्लामे लिल अबीद, अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता। अगर कभी कोई फाके से मर रहा है तो ये हम इंसान जिम्मेदार है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। जुल्म इतना पस से खुदा तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सब मानेंगे अदालत उसूल दीन में होना चाहिए। अकल की मैंने दलील दी है, जितनी पेश कर सकता था मैंने पेश कर दिया।